सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिल से प्यार भरा आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं बहुत दिन से सोचा था कि मैं खुद के पैसे से कुछ एक चीज़ लूँ। तो वो दिन आ चुका है गाइस कि मैं कुछ लूँ मेरे लिए खुद के पैसे से। तो इसलिए गाइस, मैं आप लोग के लिए इस वीडियो में लेके आ रहा हूँ मेरा न्यू बाइक। तो गाइस, आज का वीडियो में बहुत कुछ करेंगे हम लोग। मेरा साथ एक करण, ये रहा, तो इसकी पसंद तो गाइस मेरे पसंदी को लेके नहीं आया क्योंकि मैं न्यू पसंदी लेने के लिए जा रहा हूँ ना, तो इसलिए इसके पसंदी पे हम लोग दो लोग उठ के आ चुके हैं और अभी जा रहे हैं गाइस। आधा रास्ते पे है अभी, डायरेक्टली हम लोग मोड़ान जा रहे हैं। तो मोड़ान से हम लोग वहाँ पे मोड़ान से गाइस वो चीज़ लेंगे। तो थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल चुका है शायद कि मैं क्या चीज़ लेने के लिए जा रहा हूँ। तो गाइस, ये हो पा रहा है आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से। तो गाइस, ऐसे ही मुझे प्यार देते रहने और सपोर्ट करते रहिए गाइस। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना गाइस, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन गाइस सब्सक्राइब और शेयर और लाइक नहीं करते गाइस। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना गाइस, और आप यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब पे ही जाना गाइस। तो गाइस, ऐसे ही बने रहिए। तो हम लोग जा रहे हैं मोड़ान टाउन क्योंकि वो चीज़ लेने के लिए। तो गाइस, हम लोग अभी जा रहे हैं, तो लगभग आपका होगा जाने के लिए अभी तक 10 किलोमीटर है। आधा रास्ते पे हम लोग आ चुके हैं, तो हम लोग जा रहे हैं साइकिलिंग करके। ये चला रहा है और मैं बैठा हूँ गाइस आराम से, देखो क्या बात है। तो गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा फैमिली पे न्यू मेंबर ऐड होने वाला है। तो गाइस, ये वीडियो लास्ट तक देखना है, लास्ट तक देखना। तो चलिए डायरेक्टली मिलते हैं मोड़ान टाउन पे। फाइनली गाइस, हम लोग मोड़ान टाउन पहुंच चुके हैं और अभी जा रहे हैं शोरूम। तो गाइस, पहले से देख के रखा हूँ तो इसलिए डायरेक्ट शोरूम जाके अभी उठाते हैं गाइस। तो चलिए। The next day. तो हेलो गाइस, कल का वीडियो में आप लोग देखा कि कल हम लोग गए थे मोड़ान में गए थे। कारण ये है कि कल गए थे, वो कारण है कि जो अरे कहना क्या चाहते हो, मैं कहा था आप लोगों को कि मैं कुछ एक नया चीज लूं, तो वो चीज ले लिया न्यू बसंती। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस, मेरा पास जो बसंती था ना, वो बसंती को अपडेट कर चुका हूँ गाइस न्यू बसंती के साथ। तो गाइस, तो इसका कल गए थे हम लोग, तो आज इसका नेक्स्ट दिन है। तो कल लेके आ चुके हम लोग घर पे और अभी जा रहे हैं लॉन्ग राइड पे यानी हमारे गांव। हमारे मैं तो मोड़ान में रहता हूँ ना, तो मोड़ान से अभी हम लोग जा रहे हैं नामसांग में मेरा असली घर है गाइस, वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस, ये रहा मेरा न्यू बसंती, देखो। तो गाइस, अभी जा रहे हैं पैदल मारते गाइस, बहुत थकान महसूस हो रहा है। लगभग आपका 56 या 57 किलोमीटर हम लोग कवर कर चुके हैं और अभी और जाना है गाइस 30 किलोमीटर। बहुत दूर है ना अरुणाचल के सामने, तो वो हमारे गांव डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट मेरा मतलब आसाम में ही है गाइस, लेकिन डायरेक्ट आसाम और अरुणाचल की डायरेक्ट क्या बोलते हैं वो बॉर्डर पे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोला कि अरुणाचल बोल के। तो लगभग अभी तो होगा 30 किलोमीटर और जाना है हम लोग को। यहाँ सभी नागड़े पहुँचेंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग यहाँ हम लोग को भूख लग रहा है ना, तो इसलिए हम लोग कुछ खा लेते हैं गाइस। वहाँ से होटल से कुछ लेके आए हैं, बोनसोन वो क्या करण लेके आया, वो लेके आया क्या लेके आया वो पता नहीं, तो अभी देखने से ही पता चलेगा कि खाने के लिए क्या लेके आया। तो दोपहर के खाना यहाँ पे हम लोग का होगा अभी, तो खा लेते हैं और फिर रात स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, कमेंट करके बताना कि न्यू बसंती का लुक कैसा है। और A few moments later, हम लोग का खाना वाना हो गया गाइस। खाना वाना नहीं गाइस, ये चीज है, ये पैन बन है गाइस, ये चीज, ये देखो
ए ठीक है नहीं निकाला। हाँ गाइस ये हम लोग खाए और यहाँ पे था भुजिया गाइस, तो भुजिया खाए हम लोग, तो हो गया हम लोग का पेट भर चुका है। तो हम लोग अभी राइड स्टार्ट करेंगे गाइस, और जाना है तो हम लोग का 30 किलोमीटर जाना है, तो देखते हैं कितना समय लगेगा। तो फाइनली गाइस हम लोग नारकटिया पहुंच चुके हैं। ये रहा नारकटिया का थोड़ा नजारा गाइस, ये रहा नारकटिया कॉलेज। बाहर से नहीं दिखा रहा गाइस क्योंकि बहुत बड़ा वॉल है ना यहाँ पे, ये देखो, तो अंदर बहुत बड़ा कॉलेज है। तो गाइस हम लोग यहाँ पे रुके हैं, मेरा होटल मेरा। तो गाइस घर के लिए कुछ मीठा मीठा ले लेते हैं और जाते हैं गाइस। गाइस घर के लिए मिठाई ले लिया और अभी जयपुर पहुँचेंगे गाइस। जयपुर से ज़्यादा तो नहीं होगा आपका, 10 या 10-11 किलोमीटर होगा हमारे गांव तक। तो गाइस बहुत ट्रेवल तो कर चुके हैं और थोड़ा जाना है, तो चलिए जाते हैं। उससे टिपम जाते हैं गाइस, हमारा असम में बहुत फेमस जगह है गाइस। तो हम लोग अभी जयपुर पहुंच चुके हैं। तो गाइस हम लोग जयपुर से निकल चुके हैं और अभी पहुंच चुके हैं नागाघाट। कहते हैं गाइस तो नागाघाट में पहुंच चुके हैं। नागाघाट से डायरेक्टली हम लोग का जंगल है गाइस, तो उस जंगल का नाम है, ये जंगल नहीं गाइस, ये एक राष्ट्रीय उद्यान है गाइस, पाटखाई राष्ट्रीय उद्यान। तो गाइस इस पाटखाई राष्ट्रीय उद्यान होके हम लोग का गांव पहुंचेंगे। तो गाइस देखते हैं गाइस क्या क्या मिलता है जंगल के अंदर, तो वो सब भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फाइनली गाइस हम लोग नागाघाट में पहुँच चुके हैं और अभी यहाँ पे रुके हैं, थोड़ी देर रुकते हैं और यहाँ से निकलेंगे। तो ये यहाँ का थोड़ा नज़ारा देखिए। A few moments later. तो गाइस एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो इस तरफ से जाते हैं हम लोग, इस तरफ से आए गाइस, इस तरफ से इसे आके इस तरफ से जाते हैं गाइस अरुणाचल, इस तरफ से जाते हैं गाइस, और इस तरफ से जाते हैं हमारे गांव नामसांग। तो गाइस रास्ता देखिए कैसा है हमारे गांव का रास्ता। तो गाइस मैंने सुना है कि अभी तो बहुत ख़राब हो चुका है हम लोग का ये जंगल का रास्ता, तो जाके पता चल गया कि कितना ख़राब हो चुका है। गाइस नेशनल पार्क हम लोग पार होके हम लोग का गांव पहुंचेंगे। तो ये रहा गाइस नेशनल पार्क का क्या बोलते हैं ये साइन बोर्ड, ये देखो गाइस ये रहा डिहिंग पाटखाई नेशनल पार्क। तो इस पार्क की इस डिहिंग पाटखाई नेशनल पार्क की अंदर हम लोग का नामसांग गांव है, तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए गाइस जाते हैं। तो गाइस हम लोग घुस चुके हैं इस जंगल पे, हो रहा करण और ये राम में। तो गाइस हम लोग सोचे थे कि हम लोग एक चैलेंज की तरह सोचे थे क्योंकि बहुत दूर है ना मोरान से यहाँ तक, देखो बहुत किलोमीटर है, 70-80 किलोमीटर है गाइस। तो हम लोग एक चैलेंज की तरह आए और फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं। अभी थोड़ा दूर है, लगभग आपका 10-11 किलोमीटर, तो वो पार करके ही हम लोग का मिशन कम्प्लीट हो जाएगा। पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे हैं हम लोग पैदल, क्योंकि साइकिल चलाने नहीं होगा तो इसलिए हम लोग पैदल जा रहे हैं। हेलो गाइस, पहले तो अच्छा था, इतना भी अच्छा नहीं था गाइस, थोड़ा बहुत अच्छा था। तो अभी तो कुछ दिन पहले से ही बारिश हो रहा है ना, तो इसलिए और भी ज़्यादा यहाँ का रास्ता ख़राब हो गया, यानी कीचड़ ही कीचड़ हो गया गाइस। इसे देखो कैसे ऐसा है गाइस रास्ता, तो वो मैं सोच रहा हूँ कि बहुत दिक्कत होगा। तो गाइस यहाँ रास्ता तो बहुत कैसे जाएंगे गाइस, बहुत ख़राब है।
देखिए ना, देखो गाइस बहुत ख़राब है गाइस, तब भी हम लोग को जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इतना दूर तो आ चुके हैं हम लोग और ज़्यादा दूर नहीं है, 10-11 किलोमीटर है, तो इस जंगल को पार करके ही हम लोग का गांव पहुंच जाएंगे। तो जाते हैं, रास्ता देखिए कैसा है गाइस, इतना कीचड़, ये देखो गाइस इतना ख़राब है गाइस नामसंग का रास्ता, ये देखो गाइस बना रहे लेकिन बारिश के कारण बहुत ख़राब हो चुका है अभी, तो बहुत ख़राब रास्ता है गाइस, तो यही रास्ता पार करके ही मैं नामसंग पहुंचूंगा। तो गाइस यदि अच्छा लोकेशन मिले तो आप लोग को मैं दिखाऊंगा, तो ऐसे ही मेरे वीडियो पे बने रहिए, कहीं मत जाना गाइस, कहीं मत जाना, ऐसे ही मेरे वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए जाते हैं, ये देखो, और अभी हम लोग पहला ब्रिज में पहुँच चुके हैं, और यहाँ ये एक ब्रिज है और 5 ब्रिज है गाइस, टोटल आपका हो गया 6 ब्रिज, इस जंगल के अंदर 6 ब्रिज है। तो फाइनली एक ब्रिज पहुंच चुके हैं, फर्स्ट ब्रिज पे हम लोग हैं अभी, और यहाँ का यहाँ से दिहिंग नदी का नज़ारा देखिए। तो गाइस इस जंगल के अंदर से पानी आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है गाइस, इस तरफ से, और इसके नीचे 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 आके यहाँ पे नदी पे प्लास हो रहा है, ये देखो। तो गाइस आते आते हम लोग को मिल चुका है इस जंगल के बीच पे एक खुफिया मंदिर, ये मंदिर नहीं गाइस, रास्ते के किनारे गाइस, तो ये रहा, ये देखो गाइस शिव की मंदिर है, ये रहा, और जंगल लिए इस तरफ अभी जाएंगे हम लोग, इस तरफ से आए हैं। तो गाइस चलिए बिना देर ना करते हुए डायरेक्टली जाते हैं। तो गाइस मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हालत हो जाएगा हम लोग का और मेरा बसंती का भी, ये देखो गाइस बसंती का हालत कैसा हो गया, ये देखो, ये रहा गाइस, और मेरे जूते देखो गाइस कैसा हो गया, हालत बहुत ख़राब हो चुका है गाइस इस जंगल को पार करने में। तो गाइस बहुत दूर आ चुके हैं और अभी जाना है हम लोग को और 5 किलोमीटर ऐसा होगा, शायद 5-6 किलोमीटर ऐसा होगा, तो और 5-6 किलोमीटर जाते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग जंगल पार कर चुके हैं, ये रहा जंगल का रास्ता, ये लास्ट ब्रिज है गाइस, ये रहा देखो, ये रहा थोड़ा ब्रिज, और ये देखो गाइस चाय की बगीचा, इस तरफ से हम लोग अभी घर जाएंगे यानी नामसंग। तो गाइस बहुत मेहनत और बहुत कष्ट के बाद फाइनली हम लोग गांव में पहुंच चुके हैं, हम लोग का गांव नामसंग। तो गाइस आसाम टू अरुणाचल नहीं गाइस, मोरान टू नामसंग, तो लगभग आपका होगा 70-80 किलोमीटर, तो हम लोग 70-80 किलोमीटर गाइस कवर करके अभी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे गांव पे यानी नामसंग। तो गाइस लोकेशन देखिए कि हम लोग कितना बड़ा जंगल पार होके अभी फाइनली गांव में घुस चुके हैं, ये देखो लोकेशन पे, ये देखो गाइस, करके ये रहा नागा घाट गाइस, ये रहा नागा घाट, और इतना बड़ा जंगल देखो गाइस, ये है नदी, ये नदी, नदी के किनारे किनारे हम लोग आके, ये रहा गाइस देखो, ये रहा फाइनली हम लोग यहाँ पे हैं, और ये सब है चाय बगीचा, और ये देखो गाइस इतना बड़ा जंगल के बीच एक गांव है, और इस गांव का नाम है नामसंग। बहुत लंबा हो चुका है शायद ये वीडियो, तो वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। मेरे ये वीडियो कैसा लगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताना गाइस, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के जाना गाइस, क्योंकि मैं यूट्यूब में जब वीडियो अपलोड करूँगा तब आप लोगों के पास मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन चला आ जाएगा, तो वहीं से आप लोग देख सकते हैं। तो इसीलिए गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना गाइस, तो फिर मिलेंगे और एक नया धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।